Hello, welcome students to my YouTube channel. Please like and subscribe for the next new updates. Okay students, last video पे हम लोग क्या किए थे, जो importance of family chapter 1 का first part discussion किए थे, उसका जो remaining part है अभी इस video में discussion करेंगे. Okay, get ready. Page 2, the last portion. Family likes and dislikes. जो family के likes and dislikes क्या होता है. इन ईच फैमिली द मेंबर्स हैव देयर ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स. सभी मेंबर्स के अलग अलग लाइक एंड डिसलाइक्स होते हैं, जो पसंद नापसंद होता है. ओके, इट मे बी ए स्पेशल, जैसे कि कुछ स्पेशल डिश के ऊपर हम लोग का लाइक्स होता है, कोई उस डिश को पसंद नहीं करता है. कलर के कलर भी, कोई किसी को रेड पसंद है, किसी को वाइट पसंद है, किसी को ग्रीन. पर अलग ड्रेसेस के में भी ऐसे ऑप्शन आ जाता है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स. एंड ऑल्सो द टेलीविजन चैनल, जब टीवी देखते टाइम भी सबका पसंद अलग अलग हो जाता है. सो ये है लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स. ओके, राइट टू द टर्न टू द नेक्स्ट पेज. ऐसे ही द फैमिली मेंबर्स आल्सो हैव प्रीफरेंस. हाउसहोल्ड चोर्स आर कंसर्न, जो घर के काम होते हैं उसके ऊपर भी सबका पसंद एंड लाइक्स एंड डिसलाइक्स होता है. कोई एक काम करना पसंद करता है तो कोई नहीं करना पसंद करता. दे मे और लाइक वॉशिंग क्लॉथेस, बाइंग ग्रोसरीज, पेइंग बिल और वाटरिंग प्लांट्स. ये जो कुछ काम्स होते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं घर के, लाइक करते हैं, और कुछ डिसलाइक करते हैं. सो दैट बट ऑल द हाउस होल्ड चोर्स आर नेसेसरी, बट ये सब काम को तो करना ही पड़ेगा घर चलाने के लिए. बट ये सब कोई नहीं करेगा तो कैसे होगा, तो कोई ना कोई ये काम करता है. सो हैंस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू शेयर द रेस्पॉन्सिबिलिटी. घर का जो काम है सब मिल बांट के ही करते हैं, शेयर करते हैं. कोई ग्रोसरी लेता है, कोई वॉशिंग क्लॉथेस वॉशिंग करता है, कोई बिल पे करता है, तो कोई वाटर जो प्लांट्स पे वाटरिंग करता है. ये सब काम को हर कोई शेयर करते हैं. नेक्स्ट द फैमिली सपोर्ट. सो व्हाट इज़ फैमिली सपोर्ट. सपोर्ट क्या होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करना, हेल्प करना, ये होता है फैमिली सपोर्ट. व्हाट हैपेंस व्हेन ए फैमिली मेंबर्स फेसेस ए प्रॉब्लम, जब कोई फैमिली मेंबर्स कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो क्या होता है, उस टाइम पे हम लोग बैठे रहते हैं या उनको हेल्प करते हैं, ये देखना है. एंड डू वी स्टैंड बाय हिम, और हर हम लोग उसके साइड में जाके उनको उनके आस पास बैठे रहते हैं, उनके हेल्प करते रहते हैं या उनसे दूर रहते हैं. ऑफकोर्स ऑल फैमिलीज गिव सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी. इमरजेंसी के टाइम पे फैमिली मेम्बर्स उनको सपोर्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं. इट हेल्प्स द सफरर, जो सफरर होता है, जो पीड़ित होता है, उससे क्या होता है, टू ओवरकम द डिफिकल्टी. ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उसको जीतने के लिए, उसको जल्दी ठीक होने में उनको हेल्प करता है. लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल हियर. सोनियास मदर मेट विथ एन एक्सीडेंट. सोनिया के मदर का एक एक्सीडेंट हुआ था. एंड सी वॉज टेकन टू ए हॉस्पिटल, उसके बाद इनको क्या किया गया, हॉस्पिटल को लिया गया. एंड इमिडिएटली पुट ऑन ऑक्सीजन, उनको ऑक्सीजन चढ़ाया गया. एंड सी हैड लॉस्ट ए लॉट ऑफ ब्लड, बहुत ब्लड भी उनका नुकसान हुआ था, या एक्सीडेंट पे गिरा था उसमें निकल गया था. एंड द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्टेड द फैमिली टू अरेंज फॉर 3 units ऑफ ब्लड, उनको 3 units ब्लड कलेक्ट करने के लिए, अरेंज करने के लिए डॉक्टर से एडवाइस दिए थे, टू सेव हर लाइफ, उनको बचाने के लिए. एंड सोनियास कजिन्स रेडिली डोनेटेड ब्लड, बहुत जल्दी वो लोग कजिन्स जो थे वो ब्लड डोनेट किए. एंड हर आंट एंड एट द सेम टाइम वो तो हॉस्पिटल, उनके आंट्स क्या करते थे, लुक्ड आफ्टर देयर होम, घर का जतन लेते थे या घर रहते थे. एंड हर अंकल स्टेड इन द हॉस्पिटल टू हेल्प हर फादर, उनके फादर को हेल्प करने के लिए उनका अंकल, सोनिया के अंकल वहाँ हॉस्पिटल में रहते थे. एंड द फैमिली सपोर्ट एंड केयर हेल्प सोनियास मदर टू रिकवर क्विकली. ये जो हर किसी सब मिलजुल के जो उनका सपोर्ट की, हर कोई फैमिली सपोर्ट ये जो हुआ, दिस इज नॉन एज द फैमिली सपोर्ट. फॉर दिस फैमिली सपोर्ट एंड सी रिकवर, बहुत जल्दी उनका क्विकली रिकवर हो गया, उनका हेल्थ का रिकवर हो गया. तो ऐसे ही हम लोग कोई भी इमरजेंसी टाइम पे आता है, इमरजेंसी क्रिएट होता है, तो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं बाकी लोग हेल्प करते हैं. ठीक है, सो इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली की और एक क्वालिटी है पार्टिसिपेशन इन फैमिली एक्टिविटीज. ऑल फैमिली मेंबर्स पार्टिसिपेट इन फैमिली एक्टिविटीज लाइक ईटिंग, राइटिंग पोएट्री और सिंगिंग.
फैमिली के बहुत सारे एक्टिविटी होता है, जो काम होता है डेली का, उस क्या क्या है, जैसे लाइक कुकिंग, ईटिंग, राइटिंग पोएट्री और सिंगिंग। सम ऑफ देम आर गुड एट वन एक्टिविटी वाइल द अदर्स आर एक्सीलेंट एट अनदर। सबका अलग अलग एक्टिविटी भी रहता है, सबका जैसे चॉइस रहता था लाइक एंड डिसलाइक, ये भी एक्टिविटीज भी सबका अलग अलग होता है। एंड फैमिली नर्चर्स द स्पेशल टैलेंट्स ऑफ द मेंबर्स। ये जो फैमिली के किसी का अच्छा क्वालिटी है तो फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, अप्रिसिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसको फिर हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। एंड द एनकरेजमेंट हेल्प द मेंबर टू एक्सेल। वो जो क्वालिटी है उनके में, जो एक्टिविटी का क्वालिटी, एक्टिविटीज रहते हैं, कुछ क्वालिटी है, स्पेशल टैलेंट है, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, एनकरेजमेंट मिलता है तो क्या करता है, एक्सेल करता है, उसमें वो पे पहुँच पाते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, आदित्य वॉज एन शाय चाइल्ड। आदित्य एक बहुत शर्मिला लड़का था, शाय चाइल्ड था, एंड हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स एनकरेज्ड हिम, बट ही वॉज स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू द स्टेज। स्टेज पे जाने पे वो बहुत डरता था, पेरेंट्स और टीचर्स एनकरेज करते थे बट वो बहुत डरता था। एंड हिज क्लास टीचर मेड हिम पार्टिसिपेट इन ए ग्रुप सॉन्ग। उसके बाद क्या कि उनके क्लास टीचर उसको एक ग्रुप सॉन्ग पे पार्टिसिपेंट बना दिए। ओके, नाउ ही हैज गेन सम कॉन्फिडेंस। उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। एंड पार्टिसिपेट्स इन द ड्रामाटिक्स पे भी पार्टिसिपेट किया, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, डिबेट, कंपेयरिंग, न्यूज रीडिंग, सभी कॉम्पिटिशन पे पार्टिसिपेट किया। एंड हिंग्स एट फैमिली एंड नेबरहुड। उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ता गया, एक्सेल किया, वो उस काम पे एक्सेल कर दिया, उसका एनकरेजमेंट बढ़ गया। एंड ही वॉज एनकरेज एंड इस कॉन्फिडेंस लेवल ऑल्सो इंक्रीजेस, सो ग्रो कर दिया कॉन्फिडेंस। एंड वो सभी जगह पे उसका जो डर था वो गायब हो गया। अभी वो क्या करते हैं, एवरीबॉडी एन्जॉयस लिसनिंग टू हिज मेलोडियस वॉइस। हर कोई मेलोडियस वॉइस को सुनना चाहते हैं। हिज अदर चिल्ड्रन ऑल्सो लव टू सिंग विथ हिम। उसके साथ उसके पेरेंट्स और भी से अदर चिल्ड्रन हैं और उनके साथ सिंगिंग करते हैं। ओके, कैसे उसका आदित्य का जो डर था, शायनेस था, कैसे दूर किए, बस एनकरेजमेंट से। ओके, उसको जैसे टीचर्स उसको पार्टिसिपेट करने के लिए पार्टिसिपेंट बनाए, उसको पार्टिसिपेट किया वो एक सॉन्ग कॉम्पिटिशन पे, उसके बाद उसका जो कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता गया और उसका जो डर था वो गायब हो गया। ओके, ऐसे ही उस एक्सेल किया, एक टॉप पॉइंट पे एक टैलेंटेड चाइल्ड वो बन गया। ओके, देन द नेक्स्ट क्वालिटी इज आवर रूडल्स। द फैमिली मेम्बर्स टेल द चिल्ड्रन अबाउट ग्रेट पर्सनैलिटीज, देयर डीड्स एंड मैसेजेस। जो फैमिली मेम्बर्स मतलब एल्डर्स जो होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे सुनाते हैं लोग, दे टेल्स अबाउट, उनके बारे में बताते हैं ग्रेट पर्सनैलिटी, जैसे ग्रेट मैंस है, द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया, द फ्रीडम फाइटर्स, एंड उनके जो डीड्स है, जो अच्छा काम किए हैं उनके बारे में बताते हैं, या फिर उनका जो मैसेज है उनको समझा देते हैं। एंड इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी नरेशन, टीम बोर्ड चिल्ड्रन और विजिटिंग मोनूमेंट्स और म्यूजियम एट्सेट्रा। तो कैसे ये सब करते हैं, उनको स्टोरी के आकार से ही, स्टोरी के हिसाब से नरेशन नरेट किया जाता है। आप उनका ग्रेट मैन का बुक गिफ्ट करते हैं बर्थडे पे या स्पेशल डेज पे टू द चिल्ड्रन, एंड ऑल्सो उनको लेके कोई मोनूमेंट्स या म्यूजियम को घुमाने लेते हैं या विजिट करवाने लेते हैं। उससे क्या होता है, उन लोग का इंटरेस्ट क्रिएट होता है। एंड डू यू नो चिल्ड्रन एंसनिंग टू स्टोरीज अबाउट क्वालिटी लाइट लाइक महाराणा प्रताप, शिवाजी, यशोदा, रानी झांसी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ये सब जो ग्रेट मैन है उनके बारे में स्टोरी सुनना पसंद करते हैं। मेरी पेरेंट्स रीड आउट न्यूज आइटम रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ ग्रेट पीपल और टॉक अबाउट करेंट अफेयर। जो बच्चों को करेंट अफेयर सुनाते हैं या फिर ग्रेट पीपल के बारे में रिलेटेड स्टोरी, उनको लाइफ स्टोरी बच्चों को सुनाते हैं। एंड ऑल दिस, ये सबसे क्या होता है, दिस कन्वर्सेशंस एंड डिस्कशंस डीपन द बॉन्ड्स अमंग फैमिली मेम्बर्स। ये जो फैमिली मेम्बर्स का जो बॉन्ड है, जो रिलेशनशिप का बॉन्ड है, लव एंड केयरिंग नेचर का जो बॉन्ड होता है डिपेंड। देयर मे बी सम फैमिली मेम्बर्स होम यू एडमायर फॉर देयर पर्सनैलिटी। कुछ उनके जो पर्सनैलिटी होते हैं उनके लिए फैमिली मेम्बर्स में भी बहुत सारे ऐसे ग्रेट पर्सनैलिटीज के अच्छे पर्सनैलिटीज हैं, लोग रहते हैं, एडमायर करते हैं एंड फॉर देयर स्पेशल टैलेंट कॉन्ट्रीब्यूशनिटी और एफेक्शन एंड नेचर। उनका जो अच्छा क्वालिटी एडमायर करते हैं, पर्सनैलिटी, अच्छा पर्सनैलिटी हो या फिर स्पेशल कुछ टैलेंट होगा, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी और एफेक्शन एंड नेचर, ये जो अच्छा क्वालिटीज है उसके लिए एडमायर करते हैं। तो स्पेशल मेंबर
मे बी ए टॉल अंकल, ए कजिन हु पेंट्स, इट बी ए पेंट सकते हैं, योर फादर अपना पापा हो, एंड हु इज ए रनर बहुत, एंड ए ग्रैंड मदर हु राइट स्टोरीज, स्टोरी टेलर हो सकते हैं ग्रैंड मदर, और एन एंड आंट विथ लॉन्ग सिल्की हेयर, उनका बहुत अच्छा हेयर के लिए वो एडमायर कर सकती है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हम लोग जो एडमायर करते हैं पसंद करते हैं उनको। मेबी मेम्बर हु मेक्स एवरी वन लाफ विथ हिज जोक्स और मिमिक्री, अपने जोक्स और मिमिक्री से सबको हंसा सकते हैं, एंड यू वॉन्ट टू बी लाइक दैम, ये जो ऊपर क्वालिटीज कुछ बताया गया उनके जैसे जो चाइल्ड होते हैं छोटे बच्चे बने हैं, एंड दे आर योर रोल मॉडल, तो यही है रोल मॉडल्स, आवर रोल मॉडल्स पे जो इम्पोर्टेंट, अपना फैमिली मेम्बर ही कोई रोल मॉडल हो सकता है, जो अच्छा क्वालिटी की जो बच्चा एडमायर करता है वही होता है उनका रोल मॉडल। एंड रोल मॉडल क्या होता है, वैसे ही बनना चाहता है लड़का, क्या है बच्चा जो है जो चाइल्ड वॉन्ट टू बी लाइक हिम, उनके जैसे बनना चाहता है, सो दैट ही थॉट इन हिज माइंड एंड दैट दैट पर्सन कम टू द माइंड ऑफ द चाइल्ड एज ए रोल मॉडल, बी लाइक हिम इन फ्यूचर, योर रोल मॉडल मे बी ट्राई टू इम्बाइब हिम पॉजिटिव क्वालिटी, उनका जो पॉजिटिव क्वालिटी होता है अच्छा क्वालिटी होता है उसको द चाइल्ड जो है उसको इम्बाइब करना चाहता है, या फिर खुद ऐसे बने उनको फॉलो करता है। ओके, ये हो गया रोल मॉडल। सो ऑलवेज यूटिलाइज योर टाइम एंड एनर्जी इन इम्प्रूविंग योर सेल्फ, ऑलवेज क्या करोगे बच्चे, आप लोग के लिए एक यहाँ एक एडवाइस दिया गया है, आपको क्या फॉलो करना है, आपका जो टाइम एंड एनर्जी है उसको वेस्ट नहीं कर, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी, एंड यू ऑलवेज यूटिलाइज इट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए लगाओ उसको, एंड योर इज मेक यू हैप्पी, आपको जैसे आपको लाइफ में आपको बहुत हैप्पी करेगा, आपको मेक यू हैप्पी, कॉन्फिडेंट आपका लेवल इंक्रीज करेगा, एंड मेक यू पॉपुलर विथ अदर्स, फ्रेंड के बीच में या समाज में आपको पॉपुलर करेगा इन द सोसाइटी, एंड शेयर योर फीलिंग्स, और उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, एंड यू मस्ट शेयर योर फीलिंग्स, होप्स, ड्रीम्स, फियर्स, जॉयस, एक्सपीरियंस विद योर पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ ये सब क्वालिटीज को जो आपका फीलिंग्स है, होप्स है, ड्रीम्स है, आपके मन में जो भी चल रहा है उसको, अगर डर भी है या शोर है, दुख है, एक्सपीरियंस कुछ है नया, उसको आप पेरेंट्स के साथ, टीचर, जिसको भी आपको लगता है कि उसके साथ शेयर कर सकते हो उनको शेयर करो, उससे क्या है आपका वो दुख जो है हो जाएगा, फियर भी दूर हो जाएगा, आप जो शोर है वो भी दूर हो जाएगा, और आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड दे विल गाइड यू टू ग्रो अप इनटू ए ग्रेट, आपको एक ग्रेट ह्यूमन बींग डेवलपमेंट के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए वो लोग आपको हेल्प करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो व्हाट यू लर्न इन दिस चैप्टर, डोंट हाइड योर फीलिंग्स, आपके मन की बात जो है, आपके जो फीलिंग्स है उसको छुपाओ, किसी ना किसी से शेयर करो, जो कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, आप एक ग्रेट पर्सन बन सकते हो, क्योंकि वो लोग आपको गाइड करेंगे। ओके, उसको छुपाना नहीं, आपका जब मन की बात को खोल के किसी ना किसी को बताना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।